Today we have completed chapter 5, question number 8 and question number 9. And this work we have to do in book. Okay? Chapter 5, subject math, addition and subtraction up to 20. जो काम आप आज तक कर रहे थे वो वर्क आज हम कंप्लीट करेंगे, यानी चैप्टर 5 आज हम कंप्लीट करेंगे. ओके, सो लेट्स डू इट. क्लास फास्ट, यू कैन सी द पेज नंबर इज 68. ओके, यू हैव टू ओपन द पेज नंबर 68 वेयर यू कैन सी द क्वेश्चन, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन एंड देन सॉल्व. आपको ये इन ऑप्शन में से चूज करना है करेक्ट वन एंड उसके बाद आपको सॉल्व करना है. ओके, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक मदर कैरेक्टर है, एक फादर है, एक लिटिल गर्ल है और उसका एल्डर सिस्टर है. इन चारों ने मिलके कुछ प्लांट्स उगाए हैं, वेजिटेबल्स उगाए हैं और उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करना है प्लस और माइनस करके. राइट, इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यू कैन सी द क्वेश्चन. फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. ठीक है, अगर क्वेश्चन केयरफुली नहीं पढ़ोगे तो आंसर भी आपका सही नहीं होगा. क्वेश्चन है, देयर आर 9 टमेटोज प्लांट्स. 9 टमेटो प्लांट्स है. मिनी यानी जो छोटी सी लड़की है जो वाटरिंग कर रही है, फोटो में देख रहे हो ना, वो 6 प्लांट में पानी दे चुकी है. तो अगर 9 प्लांट्स है और 6 प्लांट्स में उसने वो पानी दे चुकी है तो कितने बचता है, हाउ मेनी आर लेफ्ट. जहाँ पे आपको ये लेफ्ट वर्ड मिल जाए जिस क्वेश्चन में, और वहाँ पे अगर आपको प्लस माइनस करने के लिए बोला जाए तो आप प्लस नहीं करोगे, आप करोगे माइनस. ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. क्वेश्चन है कि कितने प्लांट्स रह जाता है जिसमें पानी नहीं दिया गया है. सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है 9. आपने क्या 9 में से 9 को ही पानी दे दिया, ऐसा तो बोला नहीं गया था. बोला गया था कि मिनी हैज़ वाटर 6 में पानी दिया है. तो 9 में से अगर 6 में पानी दे चुके हो तो कोई कुछ तो प्लांट्स बचा है ना, उनको आप कैसे निकालोगे, माइनस करके. कि आपने 9 प्लांट्स लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लांट्स में से 6 प्लांट्स में आपने पानी दे दिया, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में आपने पानी दे दिया, कितना बचता है, 9 3 3. तो कैसे निकाले, आप इनको काट दिए, काट देना मतलब माइनस कर देना. ठीक है, काट देना मतलब माइनस कर देना. तो इसको आप माइनस करोगे, माइनस इज द राइट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 8 ब्रिंजल्स प्लांट्स. ब्रिंजल्स यानी बैगन, देख रहे हो यहाँ पे फोटो बैगन की, 8 ब्रिंजल्स की प्लांट्स है. ग्रैनी प्लांट्स 2 मोर, ग्रैनी और 2 लगा रही है. ठीक है, तो 8 ब्रिंजल्स की प्लांट्स थी पहले से ही, और अगर तुम और 2 प्लांट्स लगा लोगे, 8 आपके पास पहले से था राइट, और अभी और 2 आप लगा रहे हो, तो और 2 आपके पास आ रहा है, यानी ये 2 जो चीज़ है ये जुड़ रहा है. 8 था और 2 आ रहा है, 8 आपके पास था और 2 आ रहा है, इसका मतलब ये आप करोगे इसको प्लस, दोनों को जोड़ दोगे. जब जोड़ना हो कोई चीज़ और भी ऐड हो आपके पास तो आपको करना पड़ेगा एडिशन. एडिशन का साइन है ये प्लस. 8 + 2 आपको करना है, करना आता है आपको, 8 + 2 आता है 10, और ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन, तो आप इसको सर्कल कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 13 कॉलीफ्लावर्स फूल गोभी. ग्रैनी हैज़ प्लक 3, प्लक मीन्स तोड़ लेना, उठा लेना, उन्होंने काट के निकाल लिया, 3 गोभी निकाल ली. यहाँ पे 13 गोभी की गोभी थी और 3 उन्होंने निकाल ली, तो 13 में से क्या 13 रहा वहाँ पे, नहीं ना, 13 में से 3 तो उन्होंने निकाल लिया तो कम पड़ा रहेगा,
तो कम कितना पड़ा रहेगा, आप ये कैसे निकालोगे, माइनस करके निकालना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे मार्क पूछा गया है कि हाउ मैनी आर लेफ्ट, हाउ मैनी आर लेफ्ट। अब आपकी बुक देखो, बुक में क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो लास्ट लाइन क्वेश्चन है हाउ मैनी आर लेफ्ट, तो कितना पड़ा है, लेफ्ट मीन्स पड़े रहना, तो लेफ्ट जहाँ पे है वहाँ पे आपको माइनस करना ही करना है, क्योंकि आपके पास 13 गोभी थी और उसमें से आपने 3 निकाल लिया, तो 13 में से 13 तो नहीं रहा, तो 13 में से अगर 3 आपको माइनस करना है तो आंसर आएगा 10। 3 माइनस 3 0 आता है और 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट आप 1 लिख लोगे, तो 1 0 10, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पापा हैज़ प्लक्ड 10 टमेटोज, पापा ने 10 टमेटोज तोड़ा है टू मेक सूप, सूप बनाने के लिए, मम्मी हैज़ प्लक्ड 8 मोर फॉर सलाड, मम्मी ने भी 8 टमेटोज तोड़ लिए हैं सलाड बनाने के लिए, हाउ मेनी टमेटोज आर प्लक्ड, सो कितने टमेटोज पड़े रहेंगे क्लास, आपको पापा 10 टमेटोज उठा लिए हैं तोड़ लिए हैं और 8 टमेटोज भी मम्मी ने तोड़ लिए, तो टोटल हाउ मेनी टमेटोज आर प्लक्ड इन ऑल, टोटल में कितने टमेटोज प्लक किया गया है, तो टोटल अगर जब निकालना हो टोटल, तो ऑलवेज यू हैव टू डू एडिशन, कि 10 टमेटोज पहले उठा लिया गया था और 8 टमेटोज फिर से उठा लिए, तो टोटल में कितने टमेटोज आपने प्लक किया, आपने तोड़ा, 10 प्लस 8 18। आ लेमन्स वर ग्रोइंग ऑन ट्री, लेमन्स ट्री पे उगता है, 1 फेल ऑफ, ठीक है, एक गिर गया, 4 लेमन्स था और एक गिर गया, गिर जाना मतलब क्या, वो और प्लांट्स में है नहीं ना, आपके हाथ में 4 लेमन्स थे और एक गिर गया, क्या आपके हाथ में चारों के चारों है, नो ना, सो जो गिर जाता है निकल जाता है चला जाता है वो ऑलवेज माइनस। देखो क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी आर लेफ्ट, लेफ्ट जहाँ पे हो वहाँ पे माइनस होना मैंडेटरी है, सो 4 थी, 1 गिर गई, 4 माइनस 1 3। लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर 6 चिलीज ऑन 1 प्लांट, 6 चिलीज एक प्लांट्स में है, 5 ऑन अदर, 5 चिलीज है अनदर प्लांट्स में, हाउ मेनी चिलीज आर देयर इन ऑल, जहाँ पे ये इन ऑल बोले ना, जहाँ पे ये इन ऑल बोले, ये होगा आपका ऑलवेज प्लस, ऑलवेज ये प्लस होगा, यहाँ पे भी देखो इन ऑल है राइट, ये भी प्लस, और ये भी जो क्वेश्चन आप करके आए हो जहाँ पे आपको प्लस करना पड़ा था याद है, यहाँ पे भी इन ऑल था, देखो ये भी प्लस, और जहाँ पे लेफ्ट है वहाँ पे क्या करना है, माइनस, देखो माइनस की है यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी लेफ्ट है, तो इसको भी आपको माइनस कर, आपने माइनस किए हैं, यहाँ पे ऑल है इन ऑल, तो आपको प्लस करना है, 6 एक पे पौधे में था और एक पौधे में 5 था, 6 प्लस 5 11, तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है और राइट ऑप्शन आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पुट द साइन ऑफ प्लस और माइनस, आपको साइन यहाँ पे देना है, जो साइन आपका अप्रोप्रिएट हो सही हो वो साइन आपको लगाना है, और आपको क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, कैलकुलेशन करना है, फर्स्ट आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन का मतलब समझना है, देन आपको साइन लगा के प्लस या तो माइनस करते जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए करके दिया हुआ है, मैं सेकेंड क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, देखो मिनी बॉट 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल्स ने बॉट किया, बाय किया, खरीद लिया, और 8 कलर शीट्स खरीदा उसने, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन ऑल, देखो फिर से इन ऑल आ गया, इन ऑल का मतलब क्या है, प्लस करना है, यानी 5 प्लस 8 13 आपको करना है, और यहाँ पे आपको प्लस साइन लगाने हैं। मदर हैज़ वॉश्ड 5 प्लेट्स, मम्मी ने 5 प्लेट धो लिया, फादर हैज़ वॉश्ड 7 प्लेट्स, पापा ने भी 7 प्लेट्स धो लिया, हाउ मेनी प्लेट्स हैव दे वॉश्ड, टोटल में दोनों मिला के कितने प्लेट्स उन्होंने धोया है, देखो यहाँ पे इन ऑल नहीं है मगर फिर भी आपको प्लस करना है, क्यों, क्योंकि अगर ये बोला जाए कि दोनों ने एक ही काम कर रहे हैं, दोनों में एक 5 प्लेट धोए एक साथ पे, तो टोटल
काम तो प्लेट धोने का ही हो रहा है ना, और पूछा जा रहा है कि कितने प्लेट्स धुला गया है, तो 5 + 7 = 12 प्लेट्स धुला गया है। तो आपको इस तरह से ये पेज कंप्लीट करना है और टर्न द पेज नंबर 70। पेज नंबर 70 हमने टर्न कर लिया और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा देयर आर 15 पेजेस इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में 15 पेजेस है। मदर हैज़ रीड 5 पेजेस, मम्मी ने 5 पेज पढ़ लिया। तो 15 पेजेस में से 15 में से अगर 5 आपने पढ़ लिया है, हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट? देखो लेफ्ट है, लेफ्ट यानी माइनस, आपको माइनस साइन देना है और 15 में से 5 आपको माइनस करना है। 15 - 5, 5 - 5 = 0, 1 के नीचे कुछ नहीं है, डायरेक्ट 1 आपको यहाँ पे लिखना है। मयंक हैड 19 टॉफीज, ही गेव अवे 7। मयंक के पास 19 टॉफीज था, उसने 7 टॉफीज दे दिया। तो हाउ मेनी टॉफीज आर लेफ्ट? देखो फिर से लेफ्ट है, तो आपको क्या करना है, माइनस 19 - 7, 9 - 7, 2। 9 में से अगर 7 को माइनस करोगे तो 2 आता है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 डायरेक्ट लिखना है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है आपके पेज नंबर 70। ओके, पेज नंबर 68, पेज नंबर 68, 769 एंड पेज नंबर 70। ये आपकी क्लास वर्क एंड होमवर्क है। सो क्लास, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखना है, आपको समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको मुझे SMS करना है WhatsApp में, या तो YouTube जो लिंक है उसमें भी आप कमेंट कर सकते हो। YouTube लिंक में आपका बेल आइकन है, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो कभी भी अगर अपलोड होता है मेरे चैनल पर आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। और उसके साथ साथ आप लाइक करो और क्या करो, कमेंट्स करो। कमेंट्स में आपको लिखना है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है या नहीं, और ये वीडियो आपको समझ आया है या नहीं, और अगर नहीं आता है तो भी आप लिखोगे कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया है। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो यूट्यूब पे। सो क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ये काम आप करके रखोगे आपके बुक में। ये बुक फिल करना है, नोटबुक का काम मैं अभी नहीं दे रही हूँ। और अपना ध्यान रखें और लर्निंग भी करते रहें। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय बाय।